हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज ही हमारी सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस की जो समरी है उसकी ये लास्ट क्लास होगी। इसके बाद बस एक क्लास और लूंगी मैं आपको फाइनल, जो भी कुछ इसमें बचा कुछ ही चीज़ें रह जाती है जैसे डिसीज के बारे में, आपका मैप रीडिंग के बारे में, वो थोड़ा एडिशनल है लेकिन वहाँ से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी 10 क्लास में हमने पूरी तीनों कक्षाओं की, तीसरी चौथी पांचवी एनसीईआरटी की पूरी समरी खत्म कर ली है, आप ये समझ के चलिए। तो आज ये हम इसका दी एंड करने वाले हैं, तो जितने भी चैप्टर्स बाकी है आज फटाफट से कवर करेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास का। तो यहाँ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के पहले चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर होगा आज का, इसका नाम है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो इस चैप्टर में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल कर के आते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया गया है नलामड़ा का, ठीक है, या नलामड़ा का। ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पर जाननी होगी कि कफ परेड ये भी कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। बाजार गांव ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये कुछ नाम है कि कौन कौन सा, ये कोई गांव का नाम हो सकता है, कोई जिले या कस्बे का, लेकिन आपको ध्यान बस ये रखना है कौन से राज्य में है, ठीक है। बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कफ परेड मुंबई में है। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक छोटा सा नुस्खा है, क्या है कि उल्टी दस्त होने पर थोड़ी थोड़ी देर में पानी में शक्कर और नमक मिलाकर पीते रहना चाहिए, साथ में हल्का भोजन ही करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा नुस्खा बताया गया है इस चैप्टर में कि अगर पेट खराब है, उल्टी या दस्त हो गए हैं तो क्या करें, ठीक है। पानी में शक्कर मिला के और थोड़ा सा नमक मिला के उसको पीते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद। आगे एक और यहाँ पर फैक्ट है जिसमें बताया गया है होलगुंडी गाँव, ये कर्नाटक में स्थित है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। इसके अलावा बहुत 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 इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि गांव में, गांव की पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी थे, बच्चों की इस पंचायत का नाम क्या है? भीमा पंचायत है, ठीक है। बच्चों की इस पंचायत का नाम क्या है? भीमा पंचायत है। तो ये भीमा पंचायत क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है, ये बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस पंचायत में बैठते हैं। और ये पंचायत फेमस क्यों है? एक तो पहली बात तो कि यही सिर्फ एक ऐसी पंचायत है जहाँ बच्चों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो ये भीमा संघ है, ये पंचायत है, तो इसने एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया था, जो गांव में पानी की कमी थी इस पंचायत द्वारा उस कमी को दूर किया गया था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पर याद रखनी थी। इसके अलावा इस चैप्टर में और कोई ख़ास बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका लेसन नंबर 19 जिसका नाम है जड़ों का जाल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो निकल कर के आता है बरगद पेड़ के बारे में, ठीक है। बरगद पेड़ के बारे में तो इसकी जो विशेषता है, इसके पेड़ से लटकती हुई, जो टहनियों से लटकती हुई जड़ें होती है, जड़ें तो एक्चुअली वो नहीं होती, उसकी टहनियाँ ही होती है, ठीक है। वो लटकती हुई क्या होती है, उसमें जड़े के जैसे, जैसे मान के चलो ये बरगद का ये पेड़ है, ठीक है। तो इसके यहाँ से ऐसे ऐसे आपने देखा होगा जड़ों की तरह की एक संरचना वाली ऐसे टहनियाँ से निकलती हुई जमीन के अंदर चली जाती है और ये क्या करती है, खंभे की तरह मजबूत हो जाती है जमीन में जा करके और पेड़ को सहारा देती है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये कौन से पेड़ की बात की जा रही है? यहाँ पर बरगद के पेड़ की बात की गई है, ठीक है। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें है, वे टहनियों से निकलती है और बरगद बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या देती है, सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाली जड़ें हैं, यहाँ भी इसके अंदर पेड़, इस पेड़ की जड़ें होगी मिट्टी के अंदर भी, और इस प्रकार से भी फिर ये भी टहनियों से लटक कर अंदर जमीन में चली जाती है और सपोर्ट देती है बरगद के पेड़ को। एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आपके पेपर में आया है रेगिस्तानी ओक के बारे में।
तो इसके बारे में आपको जो जानना है वो ये है कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 10 मीटर तक होती है, या क्लास की दीवार की जितनी होती है। इस चैप्टर में तो यही बताया गया है कि क्लास की दीवार, जो हमारी क्लास है उसकी दीवार की जितनी उसकी ऊंचाई है, टीचर बता रहा है बच्चों को। ठीक है, और इस पेड़ पर पत्तियां बहुत ही कम आती है, और जो इस पेड़ की जड़ें होती है वो जमीन में बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती है। कितनी गहराई तक चली जाती है, तो मान के चलिए लगभग 300 फुट, 300 फुट गहरी, या फिर आप मान के चलो कि एक पेड़ जितना ऊपर होता है उससे 30 गुना नीचे की तरफ ये बढ़ता है, यानी 30 गुना ज़्यादा इसकी जड़ें लंबी होती है इस पेड़ की लंबाई से। ठीक है, जितने की 30 पेड़ जमीन के नीचे लिटा दिए जाए उतनी लंबी होती है। अगर मीटर या फुट में पूछ ले तो आप बता देंगे, या 30 गुना, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कितने गुना लंबी होती है उसकी बाहर की लंबाई से, तो वो 30 गुना ज्यादा लंबी होती है उसकी जड़ें। ठीक है, और ये पेड़ की जड़ें जो है वो इतनी गहराई तक चली जाती है जब तक कि वो पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है, तो पानी के लिए ये जड़ें नीचे तक बढ़ती रहती है जब तक इनको पानी नहीं मिल जाता। और गांव के लोगों को जब भी पानी की कमी होती है तो वे क्या करते हैं, इस पेड़ के तने के अंदर पतला सा पाइप डालते हैं, और इस पाइप से फिर पानी निकलता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो तना है उसमें पानी स्टोर रहता है, तो उसमें ये क्या करेंगे, एक पतला सा पाइप डालेंगे और उससे फिर पानी की पूर्ति करते हैं, ये पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये खासियत हो गई किसकी, रेगिस्तानी ओक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बस यही सारी चीज़ें थी इसके बारे में जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आया सभी को, जल्दी तो नहीं हो रहा है। चलो, अगला चैप्टर है आपका लेसन नंबर 20, मिलकर खाएं। इसमें आपको अलग अलग त्योहारों पर क्या खाना बनाया जाता है, उसको कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि असम में चावल की नई फसल के कटने पर एक त्योहार मनाया जाता है जो बहुत फेमस है, बीहू। ठीक है, ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि असम में चावल की जो नई फसल की कटाई होती है तो तब एक त्योहार मनाते हैं वहाँ के लोग खुशी में, वो त्योहार का नाम है बीहू। ठीक है, बिल्कुल। और असम में घास और बांस से बना भेला घर बनाते हैं, यानी भेला घर किस लिए बनाते हैं, जिस दिन ये बिहू त्योहार मनाते हैं तो ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के एक साथ खाना पकाते हैं, और फिर उसको एक ही स्थान पर बैठकर खाते हैं, जो कि बांस के ऊपर ऐसे एक घर बनाते हैं। ठीक है, बांस के ऊपर, बांस से बना और घास से बना एक घर बनाते हैं, और इसको नाम दिया गया है भेला घर। ठीक है, ये है इनका भेला घर, इसमें बैठ के फिर सारे के सारे एक साथ भोजन करते हैं। ओके, ठीक है। उरुका बिहू के पिछले दिन की शाम को कहते हैं, यानी बिहू से जो अगले दिन वाली शाम होती है उसको नाम दिया गया है उरुका। और बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार होते हैं। यहाँ जो फसल नए चावल की कटाई होती है, तो चावल सबसे ज्यादा यहाँ कौन से उत्पादित होते हैं, तो बोरा और चेवा, ये चावल के प्रकार है। ये दो प्रकार के चावल जो है यहाँ उत्पादित किए जाते हैं, और ये बहुत ही, जब इनको हम पकाते हैं तो बहुत ही चिपचिपे हो जाते हैं चावल। ठीक है, इसको यहाँ पर खाया जाता है, इसी का भोजन बना करके इन चावलों को। ठीक है, तो ये बहुत चिपचिपे होते हैं, छोटे छोटे। असम में कढ़ाई को ताव कहते हैं, जो कढ़ाई होती है। ठीक है, कढ़ाई होती है, इसको क्या नाम दिया गया है, ताव। ठीक है, कढ़ाई को क्या कहते हैं लोग, ताव कहते हैं। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था, वो क्या था, प्राइमरी स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गर्मा गर्म भोजन मिले, ये फैसला लिया था सरकार ने। इसके बारे में हालांकि मैं आगे बात करूंगी, मिड डे मील की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ बिहू त्योहार और यहाँ पर बनने वाला जो भोजन है ये पता होना चाहिए। आगे अगला जो चैप्टर है इसमें बताया गया है लेसन नंबर 21, खाना खिलाना। इसमें गुरुद्वारे की बात की गई है कि गुरुद्वारे में जैसे पंगत लगती है, खाना दिया जाता है, तो इस पार्ट में गुरुद्वारे के रसोई घर की बात की गई है।
जिसमें एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी और दूसरी तरफ पतीले में आलू गोभी की सब्जी बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ गुरुद्वारे में बहुत सारे लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है एक बड़े पतीले में, जिसमें क्या क्या बनाया जाता है, तो उड़द और चने की दाल और आलू गोभी, ठीक है, ये दो सब्जियाँ बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 22 है जिसमें है दुनिया मेरे घर में। तो दुनिया एक ही घर में कैसे आ जाएगी, टीवी के माध्यम से। तो वही बात है, इस जो ये चैप्टर है इस पार्ट में यही बताया गया है कि एक परिवार के सभी सदस्य टीवी पर अलग अलग प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये एक अच्छा चैप्टर है पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। लेसन नंबर 23, इसमें आपको याद रखना है एक तो मुक्तापुर गांव कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में। ठीक है, मुक्तापुर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोचमपल्ली किस राज्य में है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। और इस गांव, ये गांव फेमस क्यों है, क्योंकि इस गांव में पारंपरिक व्यवसाय किया जाता है, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, ये सारे काम जो है पारंपरिक व्यवसाय इस गांव में किए जाते हैं, तो इसके लिए ये फेमस है। आगे हम बात करेंगे, भारत में कई इलाके कुछ खास चीज़ों के लिए बहुत फेमस होते हैं, है ना, इन चीज़ों के नाम पर उस इलाके के नाम इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से मशहूर हो जाते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ बनाई जाती है, तो उस इलाके के नाम पर ही उसका नाम पड़ा, ठीक है, उस पेंटिंग का, मधुबनी पेंटिंग। इसी प्रकार से कुल्लू की शॉल, है ना, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, तो ये बहुत फेमस है, इनके स्थान के नाम पर ही इनका नाम रख दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं, पूरे देश की बात। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो है मलयालम में पिता के छोटे भाई को क्या कहेंगे, चिटपन कहेंगे। चिटपन, चिटपन मतलब पिता का छोटा भाई, ठीक है, चिटपन मतलब पिता का छोटा भाई। और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहेंगे, यानी चाची को। तो चाचा को कहेंगे चिटपन और चाची को कहेंगे कुंजम्मा, ठीक है, कुंजम्मा। तो ये दोनों जो वर्ड्स है ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आबू धाबी की जो मुद्रा है वो कौन सी है, दिरहम है, है ना। और यहाँ पर केरल की बात की गई है, केरल में किस किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तेज पत्ता यानी मसालों का, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि उगते हैं, ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर केरल के बारे में। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहीदा प्रिज्म से संबंधित। चैप्टर का नाम है फौजी वहीदा, लेसन नंबर 26 है। बिल्कुल हम समाप्ति की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। इस चैप्टर में दोस्तों एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर है, नाम है इनका वहीदा प्रिज्म, और ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, ठीक है। वहीदा प्रिज्म कौन है, ये लेफ्टिनेंट कमांडर है, भारतीय नौसेना में डॉक्टर है, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से ये एक है, ठीक है। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने, ये देश की ऐसी पहली महिला बनी थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो देश की ये एक पहली महिला बनी थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान जो है एक महिला ने संभाली थी, जिनका नाम है वहीदा प्रिज्म। ओके, वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली है, तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी नाम के छोटे से गांव की ये रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, वो परेड से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि बताओ भाई परेड के पीछे कितनी टुकड़ियाँ चलती है, एक पूरी परेड में कितने निर्देश देता है कमांडर। तो आपको पता होना चाहिए जब एक परेड होती है, जब कोई परेड होती है तो उसके पीछे चार टुकड़ियाँ चलती है, कितनी, चार, याद रख पाएंगे इसको, परेड के पीछे चार टुकड़ियाँ चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, कितने, 36, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों जैसे इनका नाम वहीदा प्रिज्म है, तो किसी ने इनसे पूछा था कि प्रिज्म का क्या मतलब होता है, और वैसे भी आपको पता होगा प्रिज्म क्या है, एक कांच होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो
तो ये एक कांच का टुकड़ा होता है जिसमें से सातों रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। लाइट के क्रॉस करने पर सात रंग दिखाई देते हैं विबग्योर वाले, जैसे इंद्रधनुष में, तो वो होता है प्रिज्म, ठीक है। तो ये हो जाता है इनके नाम का मतलब। तो ये पूरा आपने जान लिया, ठीक है, इतना ही आपको इसमें जानना था। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से संबंधित कहाँ की रहने वाली है, ठीक है, पहली महिला थी जिन्होंने परेड की कमान संभाली थी। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि माँ को क्या कहते हैं, अम्मा ले, पिताजी को अब्बा ले, दादाजी को मेमे ले, ठीक है। कोई खास इतना ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा गया है अभी तक प्रश्न। अभी आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ आ जाता है आपका फोर्थ क्लास की जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी चैप्टर्स थे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे हम कवर कर चुके हैं। और एक बार में थर्ड क्लास के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने अभी एक बार में सारे फिनिश कर देंगे। तो बहुत ध्यान से आपको सुनते हुए जाना है, थर्ड क्लास को हम अभी थोड़ी ही देर में समाप्त कर देंगे और आपका इसी के साथ पूरा का पूरा एनसीईआरटी की समरी कवर हो जाएगी, ठीक है। बस इसके बाद में एक क्लास और आपकी लूँगी, जो भी यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत भी कहीं बाकी रह जाता है, ठीक है, या कुछ ऐड ऑन करना है तो जैसे बीमारियों के बारे में, नृत्य के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड कर दूँगी, इसके अलावा जो आपकी क्लास अभी और होगी। यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बताया गया है पहले पॉइंट में कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचलाकर, ठीक है, विष्णु चिंचालकर ये इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले हैं। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि सूखे पत्तों से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, सूखे पत्तों से बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं, ये पेंटिंग है पत्ते नहीं, पेंटिंग बनाते हैं, ओके। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है, चूहे में देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तेज होती है चूहे में, ठीक है, वो स्मेल करता रहता है अपने मूंछों से, अपने नाक से, और फिर उसको पता चल जाता है कहाँ खाने की चीज़ें रखी हुई है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगला पॉइंट, ये क्या है कि हांगकॉन्ग में एक डिश है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है सांप का खाना, ठीक है, सांप को खाया जाता है। और जब सांप जब भी किसी को सांप खाने की इच्छा होती है तो पास के होटल में जा करके क्या कहते हैं कि भैया हमको लिंग हू फेन खाना है। क्या खाना है? लिंग हू फेन। लिंग हू फेन मतलब सांप की बनी हुई जो डिश होती है उसका नाम है लिंग हू फेन, ठीक। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में करके देगा एग्जामिनर कि एक बच्चा है वो अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे लिंग हू फेन खाना है ना, तो वो उसकी इसका मतलब क्या है कि उसको क्या खाना है नीचे बताएगा, नारियल की सब्जी, सांप की सब्जी या इस प्रकार से, ठीक है, तो आपको समझना होगा। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि ये बच्चा कहाँ किस जगह से रिलेट करता है, तो ये हांगकॉन्ग से रिलेट करता है, हांगकॉन्ग में सांप खाना बहुत पसंद करते हैं लोग, और इसकी एक बहुत फेमस डिश है जो सांप से बनती है, वो है लिंग हू फे, ठीक है, ये याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आगे बात करेंगे, कश्मीर में रहने वाले लोग जो है वो सरसों के तेल में मछली बनाते हैं, ठीक है, सरसों के तेल में फ्राई करके मछली को बनाते हैं, उसको खाना पसंद करते हैं, किसमें? सरसों के तेल में। लेकिन वहीं अगर बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस है केरल और सरसों में, क्योंकि केरल में क्या करते हैं, केरल में लोग क्या करते हैं कि नारियल के तेल में मछली बना करके उसको खाते हैं, ठीक है, और कश्मीर में सरसों के तेल में। तो दोनों में अंतर आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। यहाँ पर केरल में रहने वाले लोग दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, वे चीज़ें एक बच्चा बता रहा है कि वे जो दो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है वे मेरे घर के आंगन में ही उगती है। इसका मतलब केरल में रहने वाले लोगों के घरों के आंगन में दो चीज़ें ज़रूर उगाते हैं वो, एक तो ज़मीन के ऊपर ऊंचे पेड़, वो किसके होते हैं? नारियल के। दूसरा ज़मीन के नीचे जो कि टैपियोका होता है, ठीक है, उसको उगाते हैं। और ये एक यहाँ पे एक डिश बनती है केरल में, बहुत फेमस है, जो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ खाई जाती है, जिसको हम कहते हैं टैपियोका, ठीक है। टैपियोका भी केरल में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और नारियल के तेल में बनी मछली भी। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है।
इसके अलावा आपको एक और फैक्ट पता होना चाहिए कि जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है, और उल्लू क्या करता है, उल्लू अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है, बहुत हद तक पीछे घुमा लेता है अपनी गर्दन, लेकिन जो मैना होगी वो झटके से घुमाएगी। तो दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, कभी आप पता चले कि आपसे पूछा कि झटके से अपनी गर्दन कौन घुमाता है, आपने बता दिया उल्लू, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको वहां बताना होगा झटके से गर्दन घुमाएगी मैना, और उल्लू अपनी गर्दन लगभग पीछे तक घुमा सकता है बहुत हद तक। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है, आप भी थोड़ा अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा सा सर्दी से बच के रहे, है ना, बहुत जल्दी कोल्ड और कफ हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सभी लोग भी। अभी हम बात करेंगे, देखिए आगे असम के बारे में मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट हुआ है कि असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए वहाँ घरों वहाँ के घर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, और यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। किसके घर की विशेषता है, ये असम में बने हुए घर की, असम में बहुत बारिश होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10-12 फुट ऊंचे बांस के खंभे होते हैं, उनके ऊपर अपना घर बनाते हैं। यहाँ के बच्चे भी बांस पर रस्सी बंधी हुई होती है, उससे ही अपने स्कूल जाते हैं। तो ये असम के बारे में बातचीत हमने की। अभी मनाली के बारे में बताया गया है कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पर भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो मनाली के मकान कैसे होते हैं, ये पत्थर और लकड़ी के बने हुए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ढालू छत वाले इनके मकान होते हैं। आगे बताया गया है दोस्तों राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कैसे घर बने हुए होते हैं। तो राजस्थान में बारिश जो है वो बहुत कम होती है, तो बारिश कम होगी तो यहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है। वहाँ पर लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जिससे वो ठंडक रहे। ठीक है, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर ये सुंदर बना देते हैं। छतें कटीली झाड़ियों से ढक देते हैं, या इनकी जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती है। ठीक है, ये राजस्थान के घरों की विशेषता होगी। मनाली की बता दी मैंने आपको, लद्दाख की बता दी। यहीं से आपका पेपर में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के घरों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या है कि भाई मिट्टी के घर होंगे, मोटी दीवारें होंगी, उनको लीप पोत कर सुंदर बना देंगे, जो छत होती है वो कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती है, है ना। ऐसे आपको ये चीज़ें, ये पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, और इसी से आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इतना ध्यान रखते चलिएगा बस आप। इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें बचता है और आपकी थर्ड क्लास की समरी इसी के साथ ख़त्म हो जाएगी, कि जो कहवा है ये भी चाय को ही कहवा कहते हैं। ठीक है, कहवा को चाय भी कहते हैं। तो ये कुछ थर्ड क्लास के इम्पोर्टेंट नोट्स थे, इसी में हमने एक पेज में इसको बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, और इसी के साथ हमारी जो NCERT की EVS था थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का, वो हमने पिछली इन 9 क्लासेस में पूरा कवर कर लिया है। एक क्लास और मैं आपकी लूँगी जिसमें बची कुछ सारी चीज़ें, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूँगी। आपको कैसी लगी क्लासेस, आपको सारे चीज़ें याद हुई, तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करें। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।